हेलो गाइस, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर फॉरएवर। लर्न फॉर फॉरएवर वेलकम्स यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज ये अपनी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 होगी। इसमें हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है ये जानेंगे, इससे संबंधित एक पैराग्राफ है उसको करेंगे, उसमें से नाउन्स को छाटेंगे, छाटना सीखेंगे, और इसके डिफिनेशंस और एक फिल इन द ब्लैंक्स है उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन क्या है बेसिकली, हम सब ऑलमोस्ट एक सिंपल डिफिनेशन है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या फिर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके अलावा अगर देखें तो नाउन एक ऐसा शब्द होता है, नाउन इज द वर्ड विच आइडेंटिफाइज एंड रिकॉग्नाइज द थिंग्स, अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग, एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पर्सन में मैन, गर्ल, टीचर, प्लेस में चाहे वो क्लासरूम हो, कोई रूम हो, चंडीगढ़ एक जगह है, लंदन एक शहर है, इसी तरीके से एनिमल में डॉग हो गया, इंट या गोट, ये सब क्या है, ये नाउन है, अपने आप में एक नाम है। और इस इन चीज़ों के नाम से जैसे ही कोई बोलेगा डॉग, हमारे जहन में एक बात आ जाती है कि डॉग एक इस तरीके का दिखता है। तो नाउन क्या करता है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करवाता है, उनको डिटरमाइन करवाता है, उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है बेसिकली। इसी प्रकार से चीज़ें हो गई, बुक, पेंसिल और चेयर। आगे देखते हैं टाइप ऑफ नाउन्स। वैसे जनरली 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ये होते हैं जिसको हम कॉमन यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैंने किसी बॉय के बारे में बात किया तो बॉय जितने हो गए, जितने भी बॉय हैं, बच्चे हैं, सब बॉय में आ जाएंगे। लेकिन वहाँ मैंने अगर रमेश का नाम ले लिया तो ये क्या हो गया, एक सिंगल पर्सन को आइडेंटिफाई करके, इंगित करके, है ना, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि रमेश की बात हो रही है। तो यहाँ पे बॉय में रमेश हो गया। इसी तरीके से कार में, कार तो सारी होती हैं लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 800 की। तो ये कॉमन, जब पूरी की पूरी जाति की बात हो, जहाँ पे पूरी जाति एक सामूहिक रूप से दिखाई दे आपको, वहाँ पे जिस संज्ञा में किसी प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो किस तरीके से, सामूहिक रूप में एक साथ इकट्ठा आ जाती हैं वो सारी चीज़ें। जैसे ट्री हो गई, तो ट्री सारी ही हैं, जितने भी पेड़ हैं सब ट्री के अंदर आएगी। लेकिन उसी में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक एप्पल ट्री की, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर हो गई। मैं किसी खास की बात कर रहा हूँ, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बात हो रही है किसकी, विशेष की। ध्यान देने वाली बात क्या है, विशेष की, खास। ऐसी मैंगो ट्री हो गई, वेगनार हो गई, या दीपक हो गया, राहुल हो गया, कोई भी नाम हो गया। अगर यहाँ पे आपने बोल दिया टीचर, तो टीचर तो सारे ही हैं, है ना, लेकिन उसमें अगर आपने किसी अपने क्लास टीचर का नाम लिया तो वो आपके क्लास टीचर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से विद्यार्थी तो सारे ही हैं, लेकिन उसमें से अगर किसी बच्चे का नाम लिया आपने तो क्या होगा, एक अलग प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर आपने किसी विद्यार्थी का नाम लिया तो क्या हो गया, वो हो गया एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल, उसको हम अगले स्लाइड में करेंगे। आगे देखते हैं, इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसमें से नाउन छांटेंगे हम कैसे। रोशनी हैज अ गार्डन, इट हैज अ मैनी फ्लावर्स लाइक रोजेज, सनफ्लावर्स, टलिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट ऑल्सो हैज अ बिग ट्री, इस गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर छाट लेंगे। द बिग ट्री इज इन द सेंटर ऑफ गार्डन, बिग ट्री कहाँ है, सेंटर में है गार्डन के। रोशनी इन्वाइट्स हर फ्रेंड्स टू प्ले इन हर गार्डन। चलिए अब छाटना शुरू करते हैं यहाँ से। जैसा आपने देखा यहाँ पे रोशनी एक नाम है, गार्डन भी एक नाम है, इसी तरीके से फ्लावर्स भी एक नाम है, रोज भी यहाँ एक नाम आता है, सनफ्लावर भी एक नाम है, तलिप भी एक नाम है। हम नाउन छाट रहे हैं, नाउन क्या होते हैं, नाम। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन हमेशा नाम होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं। ऑब्वियस बात है, जितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में सबका एक नाम है। इट हैज इट ऑल्सो हैज अ बिग ट्री, यहाँ पे ट्री की बात हुई, ट्री भी एक नाउन है।
अच्छा यहाँ पे एक चीज और बात है बिग की, ये बिग क्या है जानते हैं आप? ये बिग हो गया एडजेक्टिव। चलिए, द बिग ट्री, दोबारा से वही, ट्री इज इन सेंटर। सेंटर क्या हो गया? सेंटर भी एक स्थान को डिनोट कर रहा है, तो ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है, ऑफ द गार्डन। रोशनी, इनवाइट्स, इनवाइट क्या है? वर्ब है। हर क्या है? ये प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स नाउन हो गया। टू प्ले, प्ले क्या है? वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। इन हर, हर क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, गार्डन, गार्डन फिर से नाउन हो गया। दे, दे क्या है? ये भी प्रोनाउन है। लव टू प्ले, लव मतलब लव टू प्ले विद हर, वो उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। रोशनी एंड हर फ्रेंड्स, रोशनी उसके फ्रेंड्स। वाटर द फ्लावर्स, फ्लावर्स को पानी देते हैं। वाटर्स मतलब होता है पानी देना। फ्लावर्स यानी कि यहाँ पे फिर नाउन आ गया। एवरी डे, हर रोज, हर रोज। एवरी डे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ऑन हॉट डेज यानी कि जब गर्मी के दिन होते हैं, ऑन हॉट डेज, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। दे ऑल सिट अंडर द ट्री, वे सारे कहाँ बैठते हैं? ट्री के अंदर में। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, सी एंड हर फादर, फादर यहाँ पे नाउन हो गया। प्लांटेड द सीड्स मतलब बीज बोए, सीड क्या है? नाउन है। ऑफ अ न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर के। इन द गार्डन, गार्डन में। रोशनी टेक्स गुड केयर ऑफ द न्यू फ्लावर, रोशनी ने अच्छे से ध्यान रखा उन फ्लावर्स का। रोशनी से गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, रोशनी का गार्डन जो है बहुत सुंदर है। रोशनी गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मेल्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा महक आती है वहाँ से। एवरी वन इन द नेबरहुड लाइक्स इट, पड़ोस में हर कोई इसको पसंद करता है। एवरी वन एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे नेबरहुड क्या हो गया? पड़ोस, पड़ोस क्या है? एक स्थान है। तो हमें ध्यान ये देना होता है कि जो भी नाउन है वो स्थान है या किसी व्यक्ति का है या वस्तु का है ना? किस चीज का, किस चीज मतलब वो है क्या चीज, वो शब्द क्या चीज है? नाम तो है, किस चीज का नाम है? और इस प्रकार से अगर हम पहचानने लग जाएंगे तो हम नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। सो आई होप बच्चों ये वर्कशीट आपको पसंद आएगी। फिलहाल इसी को आगे पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम। अगली स्लाइड आएगी जिसमें इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से इसके जो भी फैक्टर्स हैं अच्छे से समझेंगे। सो थैंक्स।